चले आज हम अपने न्यू वीडियो की तरफ चलते हैं। आप लोगों ने पिछली वीडियोस भी देखी होंगी, आज हम न्यू वीडियो पे चलते हैं। आपको हम आज बनाना सिखाएंगे क्रिस्पी टाइप की चिप्स। देखिए, हम एक घर में एक ही तरह की चिप्स खा खा के बोर हो जाते होंगे, तो जो है आज हम आपको नई नई रेसिपी सिखाएंगे न्यू चिप्स बनाने की, जिसे बच्चे भी बड़े शौक से खाते हैं और बड़ों को भी देखने में भी अच्छी लगती है। आज हम आपको डिफरेंट किस्म की चिप्स बनाना सिखाएंगे। जैसा कि आप लोगों ने देखा, ये मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ डिफरेंट किस्म के, यानी कि आप आलू होते तो आलू ही हैं, लेकिन हम उन्हें जो है डिफरेंट तरीके से कटिंग करके उनको क्रिस्पी बना के बच्चों के लिए दिलकश वगैरह बना सकते हैं। देखे तो गाइस, आलू को हम इस तरह से भी मतलब के बना सकते हैं दिलकश, हम किसी मेहमान के सामने भी पेश कर सकते हैं, घर में भी हम जब चाहें जैसे चाहें हम बना कर जो है वो बच्चों को भी खुश कर सकते हैं। ये देखें, सब देखने में ही इतनी प्यारी लग रही हैं, तो खाने में कितनी क्रिस्पी होंगी। चलें हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। ये देखें गाइस, हम जो है ये देखें कितनी क्रिस्पी टाइप की हमारे सामने चिप्स बन रही है। हाँ जी, तो सो गाइज हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। ये देखें कितनी क्रिस्पी मज़े की चिप्स बनाई है, इसमें बच्चे भी बड़े शौक़ से जो है खाते हैं, तो हम बाज़ार से भी अगले हैं तो ऐसी क्रिस्पी मज़े की चिप्स हम चिप्स बनाते हैं। लेज़ वगैरह में भी यही डाली जाती है। सबसे पहले हम लेंगे आलू अपने, इनको अच्छे से पानी से वॉश करके, साफ पानी से वॉश किया है, फिर हम सब इनकी जो है वो कटर से कर देंगे इनको, यानी कि आप ये भी कह सकते हैं छील लेंगे। तो जो है ये देखें हम इन्हें करते हैं पहले छीलने का काम। तो हमने जो है वो चिप्स कटर लेना है जहाँ पे हम जैसे हमने खाने हो खानी हो चिप्स, या बच्चे हमारे शौक़ से खाने खाते हो वैसे हमने ले लेना है। तो सो अब हम बनाने जा रहे हैं ये लेज चिप्स, तो आप लोगों को उम्मीद करते हैं पसंद आएगी। हमने सबसे पहले आलू लिया, उसे वॉश करके धो के सब कर लिया, अब कटिंग की है। कटिंग करने के बाद ये देखें बिल्कुल बारीक बारीक गोल गोल कितने मोटे, मतलब के इतने लेने हैं कि आपकी क्रिस्पी बने सके। तो हमने सबसे पहले ये आलू कटिंग की है, अब देखें इन्हों पर ना पानी लगा हुआ है ना कुछ भी नहीं, वैसे हमने इन्हें अच्छे से वॉश कर लेना है, पानी में डाल लेना है इन्हें अच्छे से वॉश कर, इन्हें हमने अच्छे से वॉश करके अलहदा एक बॉल में जो है वो निकाल लेना है। अलहदा बॉल में निकाल के, यानी कि वो फर्स्ट पानी में किया उसमें जो है उसकी अगर वो थोड़ा सा भी होता है जब छीलें वगैरह तो हो जाता है, तो उसमें तो हमने अलहदा लेना है बॉल, और उस पर जो है वो टिश्यू पेपर रख देना है, ऐसे रखना है ताकि उनका पानी जो है वो सारा खुश्क हो सके। हमने ये बहुत अच्छे से कवरिंग कर लेनी है इस पैन के अंदर टिश्यू पेपर की, और जो हमने ये वॉश किए थे आलू दोबारा डबल पानी में, तो उन्हें लेना है। देखिए अब वो कितने अच्छे से हमने टिश्यू पेपर के ऊपर उनको अकेला अकेला करके रख देना है, तो ऐसे में उनका पानी सारा सूख जाएगा। तो जो है वो ऊपर से फिर हमने ऊपर से इन लोगों को क्या करना है, इनको जो है वो टिश्यू से टिश्यू की मदद से ही हमने फिर कर लेना है, ताकि उनका पानी जो ऊपर हो वो भी सारा स्टीम बन के निकल जाए और नीचे से भी इन, यानी कि इट मीन डैट के इन्हें हमने फुल अच्छे से जो है वो ड्राई कर लेना है, क्योंकि गीले होंगे तो जो है वो क्रिस्पी नहीं बन सकेंगे। हमने सब आलूओं को जो है वो स्टीम कर लिया है इनकी, यानी कि निकाल लिया। पैन में हमने जो है ऑयल लेना है, उसे गर्म कर लेना है। गर्म करने के बाद हमने अपने आलू डाले और जो है वो मज़े की चिप्स तैयार होने लगी है। सो अब देखें ये ऑयल गर्म था तो इस वजह से वो जो है बनना शुरू हो गई। ये देखें हमें आलू ड्राई करने के ये होता है फ़ायदा कि वो क्रिस्पी टाइप की चिप्स बनेगी उसमें, यानी कि कोई नमक वगैरह कोई चीज़ ऐड नहीं करनी है। अगर आप लोग चाहते हैं कि मतलब करना हो तो आप लोग कर भी सकते हैं, नहीं तो बाद में मसाला वगैरह जो आप लोगों ने ऐड करना हो अगर तो ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे हमने नमक और जो है वो चाट मसाला लिया है, ताकि कुछ बच्चे क्रिस्पी टाइप की खाना पसंद करते हैं, तो इसलिए हमने जो है वो क्रिस्पी बनाने के लिए कर दिया। अब उम्मीद करते हैं हम आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। देखें ये कितने मज़े की क्रिस्पी चिप्स बनकर हमारे सामने तैयार होगी। अब आप इसे अपने बच्चों को या फिर बड़ों को या फिर
देखिए मेरे पास इतने मज़े की क्रिस्पी चिप्स तैयार हो गई, आप ऐसे आसानी से घर बैठ के भी लेज़ का मज़ा ले सकते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, अगली वीडियो में देखिएगा।